नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 2 पढ़ा था, मेहनत की कमाई। उसमें हमें एक बालक के बारे में बताया गया था जो मेहनत भी करता था, फिर उसके पिताजी ने अपने सूझबूझ से या अपने तरीके से उसको मेहनत के बारे में बताया। आज अपना तीसरा पार्ट है अपनी वस्तु। अपनी वस्तु, अपन कोई भी चीज लेते हैं, होती है ना, कहते हैं ये मेरी मतलब अपने आप बताते हैं, ये बैग मेरा है, ये पुस्तक मेरी है। तो किसी भी चीज को अपने बताना। तो एक महात्मा जी होते हैं, एक दिन कोई रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वो रास्ते में जाते जाते देखते हैं एक स्थान पर दो व्यक्ति जोर जोर से बोल रहे, मतलब आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए खड़े थे। ये बोला मैं तुझे मार दूंगा, सामने वाला बोला मैं तेरे को मार दूंगा। दोनों एक दूसरे को मरने या मारने पर उतारू हो रहे थे। लड़ाई में एक बोल रहा था कि ये भूमि है, ये मेरी है, तभी सामने वाला बोल रहा है ये भूमि मेरी है। ऐसा करके दोनों भूमि को अपनी अपनी बता रहे थे और एक दूसरे पर क्रोध कर रहे थे। एक दूसरे लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, और अपने अपने बारे में बता रहे थे। संत महात्मा जो होते हैं ये बड़े ही दयालु और परोपकारी होते हैं, यानी दूसरों के प्रति दया रखते हैं और हमेशा सभी का भला सोचने वाले होते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मुझे इन दोनों को शांत करना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि ये भी बात समझ सके। वो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं तुम दोनों कौन हो? कि हम दोनों भाई हैं। क्या करें, हम लोग भूमि के लिए लड़ रहे हैं। तभी एक बोलता है कि महात्मा जी ये जमीन मेरी थी, ये तो ऐसे ही अपना बता रहा है। तब सामने वाला कहता है कि नहीं महात्मा जी, जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, उसमें से ये भूमि है, ये मेरे हिस्से में है, और ये तो मेरे से जबरदस्त इस भूमि को हड़प रहा है। ऐसे करके दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे और एक दूसरे को डरा धमका रहे थे। तो महात्मा जी ने शांत भाव से कहा कि ऐसे लड़ने से झगड़ने से इस भूमि का निर्णय नहीं होगा। ऐसा करते हैं, तुम लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, ये मतलब इस भूमि के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, क्यों ना हम इस भूमि से पूछते हैं कि तुम दोनों में से किसकी हो? तब वो दोनों कहते हैं कि भूमि कभी बोलती है क्या? ऐसा नहीं होता, भूमि नहीं बोलती। तब संत महात्मा ने कहा ये बोलती है, लेकिन आप लोग इनकी भाषा नहीं सुन सकते। हम जैसे बड़े महात्मा ही इनकी भाषा को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तब दोनों ने तब महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि जो निर्णय करेगी, क्या ये तुम दोनों को मान्य होगा? ये भूमि जो भी बोलेगी तुम दोनों को मानना होगा। तब उन दोनों ने कहा कि हाँ महाराज गुरुदेव, ये जो भी भूमि अपना फैसला सुनाएगी हम दोनों भाई उसको मान लेंगे। तब गुरु जी को महात्मा जी कहते हैं कि ऐसा करो, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी, तुम दोनों पहले घर जाओ, भोजन बना कर लाओ, भोजन करेंगे उसके बाद में इस भूमि का निर्णय करेंगे। तभी वो दोनों भाई बोलते महात्मा जी पहले आप भूमि का निर्णय कर दो, उसके बाद में आपको भोजन करवा दिया जाएगा। तब महात्मा जी कहते हैं ये भूमि का इजाद थोड़ी थी, वो तो यही पड़ी है, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद में मैं निर्णय करवा दूँ। तब महात्मा जी कहीं बैठते हैं पेड़ के नीचे और दोनों भाइयों को घर भेजते हैं, और दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनाकर महात्मा जी के पास लेके आते हैं। उसके बाद में क्या होता है अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये अपन ने जो पढ़ा है उसमें कुछ शब्द है, उद्यत का मतलब अर्थ होता है तैयार, यानी एक दूसरे के लिए तैयार करते हैं। स्वामित्व अधिकार,
संपत्ति धन दौलत हड़पना गायब कर जाना, जैसे झूठ मूठ, झूठ मूठ, यह जो चीज इसको क्या कहते हैं, योजन चिन्ह क्या कहते हैं, योजन का चिन्ह, ठीक है। वैसे लाल पीले ये मोहर है, लाल पीले होना क्या है, इसका अर्थ आया मुहावरा यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना, ये गुस्सा। अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।